सिंहगढ़ क्षेत्र के गांव रसूलपुर में खुलेआम मांस काटने को लेकर ग्रामीणों में रोष। अमन कमेटी रसूलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर इकरार अहमद ने बताया कि गांव के कुछ लोग सड़क पर ही मुर्गे काटते हैं। इस संबंध में काफ़ी दफ़ा उन्हें खुले में मांस न काटने के लिए कहा गया, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। इस संबंध में जब प्रधानपति से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि दुकान मालिकों को चेतावनी दे दी गई है, अभी उस सड़क पर काम चल रहा है, जैसे ही निर्माण कार्य खत्म होगा इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। देखिए जनसंवाद की यह रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर इकरार रसूलपुर से। हमारे यहाँ परेशानी ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तो गंदगियों के ढेर लगे पड़े हैं। दूसरी ये है कि जो आवास मछली वगैरह का सिस्टम है हमारे गांव के अंदर खुले आम चल रहा है। हम लोगों ने काफ़ी बार कहा इन लोगों से कि अपना अपना इंतजाम करें, लेकिन फिर भी ये खुले में काटने को तैयार है। यहाँ पर परेशानी होती है, जो मांसाहारी हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन चीज़ों से। इसके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो हमारे गांव के अंदर ज़्यादा परेशानी यही है, सफाई का अभियान आजकल चल रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी। हमें चाहते हैं यहाँ गाँव के अंदर साफ सफाई रहे, कोई भी गंदगी रोड पर नजर ना आए। आपने इसकी सूचना प्रधान को दी? हाँ, प्रधान जी को दे रखी है और बाकी जो मोहल्ले के हैं गांव वाले हैं सबको पता है। वो कहा भी है एक दो बार इन लोगों से भी अपना अपना इंतजाम कर लो इनका। तो क्या कहते हैं ये लोग? क्या कहते हैं ये लोग? प्रधान जी ने भी समझाया, उन्होंने भी बेचारों ने कई बार कहा, उसका भी समझाना नहीं मान रहे ये लोग, अपनी अपनी चलाई कर रहे हैं। मैं प्रधानपति रईस अहमद, ग्राम पंचायत रसूलपुर आबाद। ये जो डॉक्टर इकरार वाला रास्ता है इस पर हमारा सीसी का वर्क चल रहा है और इसमें जो मुर्गे की दीवार लगती है उससे हमने कह दिया है कि बनने के बाद कोई भी इसमें इस तरह का स्टोन नहीं लगेगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं आपकी बात, फिर आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे? उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।